हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर टेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1757 में अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ प्लासी जीतकर भारत के ऊपर अपना रूल स्टार्ट किया था और उसके सौ साल के अंदर अंदर उन्होंने भारतीयों को बहुत ज़्यादा परेशान किया बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भारतीय जनता परेशान हो रही थी वो गुस्सा कहीं ना कहीं उनके मन में घर करता जा रहा था और इसी गुस्से को जो रूप दिया गया इसी गुस्से को जब बाहर निकाला गया तो एटीन में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को हिलाकर रख देता है ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो है इस रिवॉल्ट को सिपाही म्यूटनी के नाम से कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो सिपाहियों के द्वारा की गई थी तो उनको ये लगता है ये सिपाहियों द्वारा किया गया आम रिवॉल्ट था लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से कहते हैं क्योंकि यहाँ से ही भारतीयों की एक्चुअल जर्नी कि हमें ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट जाके कुछ करना है वो स्टार्ट होती है इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है इसके कई सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है कई सारे एक्सप्लोइटेशन के तरीके थे ब्रिटिशर्स के जिसकी वजह से सारे वर्गों के लोग चाहे वो राजा हो चाहे वो ज़मींदार हो चाहे वो किसान हो चाहे वो आर्टिसन्स हो सब परेशान थे तो उन्हीं कोजेस के बारे में उन्हीं रीजंस के बारे में आप अब पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला आता है पॉलिटिकल कॉज लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की और इसकी वजह से जो भारतीय रूलर्स थे उस वक्त वो बहुत ज़्यादा दुखी थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कई सारे स्टेट्स को लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में कर लिया था और बहुत ही अन्यायपूर्वक किया था बेकार की पॉलिसीज लगाकर उनके ऊपर किया गया था जैसे डलहौजी ने सतारा नागपुर और झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए जो है अपने कब्ज़े में किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर कोई राजा निह संतान मर जाता है कि उसकी कोई अपनी संतान नहीं होती है तो उसके पूरे एम्पायर को जो है ब्रिटिशर्स अपने अंडर में कर लेंगे अगर उन्होंने कोई बच्चा गोद ले रखा है तो उस बच्चे को भी वो वैलिड नहीं मानेंगे और पूरा एम्पायर जो है ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ फैप्स के अंडर वजह से सतारा नागपुर और झांसी जो है ब्रिटिशर्स के अंडर चले जाते हैं ये एनेक्सेशन की वजह से ही जो रानी लक्ष्मीबाई हैं जो झांसी की रानी थी वो बहुत बड़ी दुश्मन ब्रिटिशर्स की बन जाती है नेक्स्ट पॉइंट में है कि नाना साहिब जो पेशवा बाजीराव सेकंड जिनको ब्रिटिशर्स जो है पेंशन दिया करते थे उनके अडॉप्टेड सन थे जब पेशवा बाजीराव सेकंड की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद ये कहा जाता है कि आप उनके एडोप्टड सन हो इस वजह से आपको हम उनका बेटा नहीं मानते और जो पेंशन हम पेशवा बाजीराव को देते थे वो अब हम आपको नहीं देंगे और इसी वजह से नाना साहिब भी जो है रिवॉल्ट के लीडर बन जाते हैं नेक्स्ट है आपका बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर मुगल एम्प्रायर थे जो दिल्ली में रहते थे दिल्ली में लाल किले में रहते थे वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा पेंशन मिलने पर ही अपनी अपने एक तरीके से गुजारा कर रहे थे डलहौजी जो है ये अनाउंस कर देता है कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुग़ल जो रूलर होगा वो रेड फोर्ट में नहीं रह सकता वो कुतुब मीनार के पास किसी पास वाली जगह पे चला जाएगा आउटर दिल्ली में और उसके बहादुर शाह जफ़र के बाद जो एक पेंशन मिलती आ रही है वो पेंशन भी बंद कर दी जाएगी जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्परर है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं और साथ ही साथ जो मुस्लिम्स हैं जिनकी श्रद्धा होती है अपने रूलर के साथ वो भी नाराज़ हो जाते हैं और एक पूरा मुस्लिम वर्ग जो है वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट चला जाता है अवध जो एक बहुत अच्छा उस वक्त स्टेट माना जाता था जो ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं हमदर्द वाला भी था कि ब्रिटिशर्स के साथ कई सारे वो समझौते भी करता था उसके बावजूद वो अवध को लॉर्ड डल अपने कब्ज़े में कर लेता है ये कहकर कि वहाँ का जो राजा है वो सही से रूल नहीं कर पा रहा है माल एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में वो अवध को अपने कब्ज़े में कर लेता है जिसकी वजह से भारत में और भारत के साथ साथ अवध में स्पेशली अवध के अंदर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं ये कहा जाता है कि जो अवध के नवाब है वो कैलकटा जाके चल बस जाए और पूरा अवध जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा जिससे अवध की जनता बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स से नाराज़ हो जाती है इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स हैं वो बाकी राजाओं के साथ कई सारी ट्रीटीज़ करते थे जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ ट्रीटीज़ तो करते थे लेकिन वो जब चाहे इन ट्रीटीज़ को तोड़ देते थे जब उनका मन चर, च, चाहता था कि अगर हमें कुछ काम करना है और ये ट्रीटी उनके आड़े आ रही है ये ट्रीटी उनको परेशान कर रही है तो वो उस ट्रीटी को तोड़ देते दे थे जिसकी वजह से जो रूलर्स थे इंडियन रूलर्स उनके मन में हमेशा एक डर रहा एक इनसिक्योरिटी रही कि हम अभी तो ब्रिटिशर्स के साथ कोई ट्रीटी करके अपने आप को बचा रहे हैं लेकिन बाद में कब ये हमारे ऊपर हमला कर दे कभी हमारे अगेंस्ट चले जाए कुछ नहीं पता चलेगा इस वजह से जो रूलर्स थे वो भी कहीं ना कहीं इस इन इनसिक्योरिटी के साथ जी रहे थे तो ये तो थे आपके पॉलिटिकल कॉजेस कि किस वजह से जो राजा का जो वर्ग था यानी जो इंडियन रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहे थे अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉज इकोनॉमिक कॉज यानी कि आर्थिक रूप से जो भारतीय हैं वो कैसे परेशान हो रहे थे और जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों के धीरे धीरे अगेंस्ट होते चले गए भारत को सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन झेलना पड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स शुरू से ही मानते आए थे कि भारत उनकी कॉलोनी है और वो यहाँ से पैसा निका ड्रेन करना चाहते हैं यहाँ का पैसा वो लेकर अपने एरिया अपने इंग्लैंड में लेके जाना चाहते हैं इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को परेशान करते थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा मिल सके इसलिए सारे सेक्शन के लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी थे सबसे पहले आता लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया किसानों को जमींदारी सिस्टम के अंडर में किसानों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था जो ज़मींदार होते थे जो मनी लैंडर्स होते थे जो उनको उधारी दिया करते थे वो किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे अगर कल्टीवेटर्स जो है लैंड रेवेन्यू पे करने में फ़ेल हो जाते थे तो ज़मींदार ना सिर्फ उनकी ज़मीन छीन लेता था बल्कि उनको कई बार टॉर्चर किया जाता था उनको जेल में डाल दिया जाता था तो अकाल पड़ जाए सूखा पड़ जाए ऐसी कंडीशन में अगर वो पैसा नहीं दे पाए अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाए तो किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती थी धीरे धीरे करके किसान गरीबी के कगार पे पहुंच चुके थे और वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स से नाराज़ हो चुके थे किसानों के अलावा जो लैंड थे लैंड यानी कि जिनकी ज़मीनें थी वो भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जो है वो अपने अंदर ले के चल रहे थे क्योंकि बहुत सारे जागीज़ थे जिनकी ज़मीनों को बेंटिक और डलहौजी ने जो है अपने कब्ज़े में कर लिया था क्योंकि वो वो डीट नहीं दिखा पाए थे डीट्स यानी कि जो पहले जमी ज़मीनें मिला करती थी ज़मींदारों को और राजा महाराजाओं के द्वारा या तो सैलरी के तौर पर या फिर इनाम के तो इनाम के तौर पे मिलती थी तो उसका एक डीड होता था उसका एक पेपर होता था जो उनको दिखाना होता था कि हमें देखो ये ज़मीन हमें यहाँ पर मिली है इस राजा के द्वारा अगर कोई ज़मींदार या कोई जागीर जो है वो डीड नहीं दिखा पाता था वो पेपर उसके पास नहीं होता था कि उनको ज़मीन कैसे मिली है तो उनकी जमीनें जो है वो ब्रिटिशर्स छीन लिया करते थे और ऐसे बहुत सारे जागीरदार थे जो ये पेपर जो ये डीड जो है वो नहीं दिखा पाए और उनकी ज़मीनों को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में कर लिया इसके अलावा जब अवध को अपने कब्ज़े में किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा तो वहाँ के जो ज़मींदार और तालुकदार थे उनको भी बेदखल कर दिया गया उनकी भी ज़मीनें जो हैं ब्रिटिशर्स ने छीन ली और इस वजह से वो भी ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन जाते हैं जो इंडियन इकनॉमी है वो एक्चुअल में सेक्रीफाइज हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो अपना ट्रेड करना चाहते थे अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डेवलप करना चाहते थे जिसकी वजह से भारतीयों की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो बर्बाद हो रही थी ब्रिटिशर्स क्या करते थे भारतीयों से कच्चा माल लेते थे बहुत सस्ते दामों पर अपने इंग्लैंड में मशीनों पे बहुत भारी मशीनों में वो सामान को बनाते थे और जब सामान बन जाता था तो उसको भारत में ही भेजते भेज देते थे और बहुत सस्ते दामों पे बेचते थे तो उससे ही क्या होता था जो हैंडीक्राफ्ट्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं क्योंकि हैंडीक्राफ्ट होता है वो उसमें मेहनत लगती है उसमें टाइम लगता है तो इस वजह से वो महंगी हुआ करती थी तो लोग जो है धीरे धीरे करके ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो है उनको उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो इतने सालों से चलता आ रहा था उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती चली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का कोई भी रोल प्ले नहीं किया कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाए बल्कि उनकी वजह से जो इंडियन आर्टिसन्स थे या क्राफ्ट पर्सन थे वो धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए जब इंडियन स्टेट्स को एनेक्स्ट करना शुरू किया गया तो वहाँ पर बहुत बड़े तादाद में बेरोज़गारी छाने लगी क्योंकि क्या होता था कि पहले राजा अपने दरबार में कई सारे लोगों को शरण देता था जैसे कवि है तो कवि राजा के दरबार में कविताएं सुनाएगा तो उसके बदले में राजा उसको मंथली इनकम दिया करता था ठीक इसी तरह म्यूजिशियंस होते थे आर्टिस्ट होते थे तो उनकी एक कमाई का ज़रिया था कि राजा के दरबार में हम कुछ पेश करेंगे और राजा हमें कुछ ना कुछ पे करेगा लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन पूरे एरिया को इंडियन स्टेट्स को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया तो ये जो पोइट्स थे ये जो म्यूजिशियंस थे ये धीरे धीरे जो है बेरोज़गार होते चले गए क्योंकि आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनकी कविताएं सुने और इनको पैसा दे और दरबार अब खत्म हो चुका है क्योंकि राजा के बाद से सारी पावर ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले ली है ब्रिटिशर्स को इन इन जो टैलेंटेड लोग हैं इनसे कोई लेना देना नहीं था इनको इन आर्टिसन से या आर्टिस्ट से या म्यूजिशियन से कुछ भी लेना देना नहीं था और इस वजह से धीरे धीरे ये लोग गरीब होते चले गए बेरोज़गार होते चले गए और ये भी ब्रिटिशर्स के दुश्मन बन गए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे